नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर नगर के पास स्थित ईदगाह पर क्षेत्र के हजारों नमाजियों ने ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज अदा की। इस अवसर पर शहर काजी मोहम्मद मुफ्ती आमिर ने सभी नमाजियों को ईद उल अजहा की महत्ता बताते हुए कहा कि यह त्योहार आपसी सद्भाव और प्रेम का त्योहार है। आज के दिन की गई इबादत को अल्लाह सुनते हैं और मुराद पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन कुर्बानी का दिन है। उन्होंने शासन प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार कुर्बानी करने को कहा और शांति से त्योहार मनाने का संदेश दिया। आपको बता दें, ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। यह रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिन बाद मनाया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद आमिर द्वारा ईदगाह पर ईद की नमाज अदा कराई गई। ईदगाह पर नगर पालिका परिषद की ओर से नमाजियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की गई। चेयरपर्सन पति एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने सभी नमाजियों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस कोतवाली चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत कमालपुर पास्टा रसूलपुर नंगला शुगर मिल सहित सभी ईदगाहों पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह पर उप जिलाधिकारी विजय शंकर, पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत सोनकर, प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मुफ्ती आमिर मोहम्मद ने बताया, संदेश ही देने जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और जिस तरीके से है उसको उस तरीके से अदा किया जाए जी। और कुर्बानी का अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन हुक्म दिया है तो कुर्बानी करें। कुर्बानी के साथ साथ सफाई वगैरह का ख्याल करें और बिरादरान वतन के जज्बात का ख्याल करते हुए कुर्बानी करें। सफाई का खास तरीके से ख्याल रखें और आम रस्तों पर कुर्बानी बिल्कुल न करें और पर्दे वगैरह का भी इंतज़ाम करें। और उसके जो अवशेष हैं, फजलात हैं, हमारे यहाँ चांदपुर में नगर पालिका की तरफ से उसका इंतज़ाम रहता है, उन्हीं को दें, अपने तौर पर कहीं न डालें। हमारा प्रधान चेयरपर्सन पति शेरबाज पठान ने बताया, पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक। और दिल से दुआ है कि ऊपर वाला मुल्क में अमन सुकून रखे और उसके साथ साथ जो है मुल्क तरक्की करे। सब अमन अमान से रहें, प्यार से रहें और सब प्यार के साथ जो है ईद उल अजहा मनाएँ। ईद उल अजहा मनाएँ सब प्यार के साथ में। और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मुफ्ती साहब के ज़रिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।